हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे एक इंटरेस्टिंग लॉ के साथ जो आपके सामने लेकर आया हूँ, और वो आप जानते हैं कि वो इंटरेस्टिंग लॉ क्या है। जी हाँ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये प्यार नहीं बरसा रहा हूँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चर्चा करेंगे जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भैया व्हाई वी आर लर्निंग द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है, तो समय न बर्बाद करते हुए समझते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, एवरी मैन इन डे टू डे लाइफ मेक्स वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स को यहां पर फिलहाल समझिए प्रॉमिसेस, वादे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? वादे तो निभाने ही चाहिए। तो एवरी मैन इन डे टू डे लाइफ मेक्स वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग द बिजनेस। तो यहां पर सबसे पहला हमारा प्राइम इंपॉर्टेंट वर्ड है बिजनेस। ये दिमाग में लॉक कर लेना, व्हाट? बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर हर इंसान की बात की जा रही है, बट विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, ये दिमाग में लॉक कर लो, विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। तो जहां पर बिजनेस दिख रहा है, आई मीन ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री दिख रही है, वहां पर जो लोग भी आपस में वादे करते हैं वही है यहां पर वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वादे किए जाते हैं तो तोड़े भी जाते हैं, जो निभाते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानून बोलता है भैया तुम्हारे लिए तो कानून ही नहीं बना, क्योंकि तुम मोरली सब कुछ सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन जहां पर चीजें गलत होनी चली जाएंगी वहां पर मैं आऊंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो इसीलिए यहां पर जो भी वादे किए गए और जिन्होंने उस वादे को तोड़ा, तो जिसने तोड़ा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और जिसका दिल टूटा उसका दिल जुड़ना चाहिए। तो वो करेगा कौन? सरकार करेगी। किसके जरिए करेगी? कानून के जरिए करेगी। और वो कानून क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इज दैट क्लियर? अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये लॉक कर लीजिएगा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ, या फिर मैं कहूं मर्केंटाइल लॉ, या फिर मैं कहूं कमर्शियल लॉ, सेम थिंग। ठीक है कि नहीं? टू प्रिवेंट बिजनेस फ्रॉड। तो बिजनेस में जो भी धोखे होते हैं, जो भी प्रॉमिसेस तोड़े जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया हुआ है। अब ये आपको तीन तरीके के बेनिफिट देने वाला है। क्या? नंबर वन, पावर ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। कानून बोलता है हम आपको इजाजत देते हैं कि आप कानूनी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हें प्रोटेक्शन भी मिलेगा। सिंपल सी बात है, जैसे हम अपने घर में हमारे माँ बाप बोलते हैं बेटा जैसा मैं आपको सही चीज़ सिखा रहा हूँ, सही रास्ता सिखा रहा हूँ, आप वैसे करते चले जाओगे तो आप हमेशा सही रास्ते में जाओगे, और कहीं भटकोगे तो हम हैं ना, है ना, वैसी बात है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहली बात बोलता है पावर ऑफ मेक कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, प्रॉमिसेस करना चाहती है बिजनेस में, उनको इजाजत है जैसा हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, परमिटेड टू रेगुलेट एंड डिफाइन देयर रिलेशन। और यहाँ पर जो भी पार्टी आकर प्रोमिसेस कर रहे हैं उनको परमिशन दिया गया है कि वो अपने रिलेशन जो है डिफाइन करें। इसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। एंड द लास्ट थिंग इज दिस प्रोटेक्शन बाई लॉ। ऑफकोर्स इफ यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू अस, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देन डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कौन कह रहा है? गवर्नमेंट से। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो चलिए अब एग्जांपल में इसको क्लियर कर लेते हैं कि थ्री टाइप के बेनिफिट्स क्या हैं, और सिंपल से वे में रखो P3, पावर, परमिशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल में, एक तरफ है सेल्समैन मिस्टर एस और एक तरफ है कस्टमर दैट इज मिस्टर सी। अब ये तो आपको सिंपल सा है, ये तो आप भी जानते हैं, आप भी कई बार कस्टमर बन चुके हैं। सही बात है कि नहीं है? तो देखिए, दो पार्टी तो कम से कम होनी चाहिए वादे निभाने के लिए, वादे करने के लिए कम से कम दो पार्टी तो चाहिए। तो यहाँ पर दो पार्टी मैंने रख दी है, और ये लोग आपस में क्या करेंगे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक हाथ दे एक हाथ ले, मैं तुझे गुड्स दूंगा तो मुझे उसके बदले पैसा दे। सिंपल सी लॉजिक है। तो यहाँ पर भी वही है, सेल्समैन बोलता है, सेल्समैन प्रॉमिस टू वो मिस्टर सी, क्या
आई विल गिव यू मोबाइल वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ मोबाइल आई विल प्रोवाइड यू, इट्स माई प्रॉमिस, इट्स माई प्रॉमिस मीन्स सेल्समैन यहां पर बोलता है इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कहिए ऑब्लिगेशन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कहिए ऑब्लिगेशन दैट आई विल प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ मोबाइल विच यू वॉन्ट. तो मिस्टर सी खुश हो गया, बोलता वाह दैट्स ग्रेट, मैं उसी के लिए तो यहां पर आया, सो आई एम ऑल्सो प्रोमिसिंग यू. तो देखिए यहां पर मिस्टर सी कस्टमर प्रॉमिस कर रहा है इफ यू आर प्रोवाइडिंग मी दैट काइंड ऑफ मोबाइल विच इज आई वॉन्ट देन डेफिनेटली आई विल पे यू रुपीज 10,000 whatever that means the price of that mobile, mobile की कीमत क्या है 10,000. तो देखिए यहाँ पर customer भी क्या कर रहा है, एक responsibility ले रहा है या obligation कहिए कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा. तो देखिए यहाँ पर deal हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को तो business कहते हैं एक हाथ दे एक हाथ दे. तो आप प्लीज ध्यान से समझिए दोनों केस में, आई मीन केस तो एक ही है, जो केस चल रहा है जो सिचुएशन चल रही है उसमें दोनों पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं. तो दोनों पार्टी जब एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इज दैट क्लियर? तो अगर मिस्टर एस जो सेल्समैन है वो मोबाइल के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं, आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो मिस्टर कस्टमर क्या रिसीव करेगा? मोबाइल रिसीव करेगा. सो इट इज अ राइट फॉर अ कस्टमर टू रिसीव अ मोबाइल. मतलब मिस्टर सेल्समैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिस्टर सी की क्या बन जाएगी? राइट बन जाएगी. तो साइमल्टेनियसली मिस्टर सी प्रॉमिस कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो प्रोवाइड 10,000 किसे? सेल्समैन को. तो सेल्समैन को 10,000 मिलना उसका अधिकार है कि नहीं? तो ये उसके लिए क्या बन जाएगा? राइट. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया. हाँ हाँ सर हम समझ गए, आप यही कह रहे हो कि अगर मैंने प्रॉमिस किया आपको कुछ देने का तो वो मेरे लिए जिम्मेदारी है, लेकिन आपके लिए वो क्या है? राइट है. एंड वाइस दैट्स ग्रेट, यू आर स्मार्ट. तो मुझे बताइए दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि नहीं बनाया? यस बनाया, दो पार्टी है. अब ये दो पार्टी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन दो पार्टी है, दैट इज ग्रेट. उन्होंने अपना रिलेशन डिफाइन कर लिया, हाँ किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसके क्या राइट है. और ऑफकोर्स एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दूसरे की वो क्या बन जाएगी? राइट बन जाएगी, राइट बन जाएगा, अधिकार बन जाएगा. और अगर इनमें से किसी ने भी लोचा किया, अगर इसने 10,000 दे दिया और इसने मोबाइल नहीं दिया, या इसने मोबाइल दिया और इसने 10,000 नहीं दिया, तो वो विल प्रोटेक्ट टूटे हुए दिल को. सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विल प्रोटेक्ट टू टूटे हुए दिल को. दैट्स ग्रेट, यू आर स्मार्ट. ठीक है, तो देखिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना, इस एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर लिया ये तीनों पॉइंट और ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. अब यहां बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या इंश्योर कर रहा है, वही बात रिपीट होने वाली है. देखिए व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड शैल बी परफॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन है? मिस्टर एस एंड मिस्टर सी. व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस किया है? एक बोलता है मैं आपको मोबाइल दूंगा, दूसरा बोलता है मैं आपको कैश दूंगा. शैल बी परफॉर्म, तो दोनों को परफॉर्म करना है. Is that clear? तो अगेन यहां पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तीन चीज इंश्योर कर रहा है, दैट इज 3P. तो यहां पर मैं अगेन P3 लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस्ड परफॉर्म्ड बाय पार्टीज. इजी, दैट्स ग्रेट. सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो हेंस वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट टू ब्रिंग सिविल क्लेम अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. सिविल क्लेम पनिशमेंट है ना, ये बात हो गई यहां पर. जिसने भी अगर नहीं किया तो उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी, प्रोटेक्शन बाय लॉ. तो यहीं पर ये बात आ गई, टू ब्रिंग सिविल क्लेम अगेंस्ट दी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड टू बिल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड. सही बात है ना यार, सभ्यता सही तरह से चलती रहनी चाहिए ना. पाइपलाइन, पाइपलाइन का फंडा क्या होता है, क्या होता है पाइपलाइन का फंडा? एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करता है? पानी की सप्लाई करता है. तो ठीक वैसे ही यहां पर अगर हम सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बिजनेस में फ्रॉड्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इनका मेन फंडा वही है कि बिजनेस फ्रॉड्स को जड़ से उखाड़ फेंकना. लेकिन एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा. सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल. और इससे आपको पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आगे बहुत जरूरी है पढ़ना और अच्छे से समझना. तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव. थैंक यू.